अक्टूबर 2019 को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हरियाणा पुलिस कर्तव्यबद्ध है और हमने इसके लिए बहुत व्यापक और कठोर इंतजाम किए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता इस लोकतंत्र के महापर्व पे भारी संख्या में सम्मिलित होगी और अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। कहीं भी किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती, धमकी या भय का वातावरण ना उत्पन्न किया जाए, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। हमने पूरे राज्य में जो वल्नरेबल बूथ्स चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे जो शरारती किस्म के तत्व थे या मसलमैन थे जो लोगों को इंटिमिडेट कर सकते थे उनके पुराने आचरण के पुराने रिकॉर्ड के आधार पे, उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई संपन्न की गई है और उनको जमानत और मुचलके भरवाए गए हैं ताकि वो इस प्रकार उनको आभास रहे कि वो पुलिस की नज़र में है। पर हमने जो केंद्रीय अर्धशासित बल हैं और जो बाहर से पुलिस बल हमें उपलब्ध कराया गया है उनके आधे सेक्शन की हर एक बूथ पे फोर्स रहेगी ताकि किसी भी प्रकार जो हमारे कमज़ोर वर्गों का जो मतदाता है उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती या धमकी की कार्रवाई ना की जाए। पूरे राज्य में हमने इस समय लगभग 70,000 के करीब सुरक्षाकर्मी तैनात हैं जिसमें से 40,000 तो हरियाणा पुलिस के हैं और लगभग 20,000 होमगार्ड्स हैं। इसके अतिरिक्त 130 कंपनी जिसका आप संभवतः लगा सकते हैं लगभग 13,000 सुरक्षाकर्मी BSF, CRPF, ITBP, मणिपुर आर्म पुलिस, CISF, पंजाब के आर्म्ड होमगार्ड्स, राजस्थान आर्म पुलिस इत्यादि से हमें मिले हैं और इन सब की मदद से हमने पूरे राज्य में एक सुरक्षा का एक जाल ऐसा फैलाया है कि कोई भी असामाजिक तत्व मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित ना कर पाए। इसके अतिरिक्त 267 नाके हमने लगाए हैं पूरे जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उनके ऊपर ताकि चुनाव के दिन बाहर से किसी भी प्रकार के आपराधिक तत्वों की आवाजाही हरियाणा में पड़ोसी राज्य हैं चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उन्होंने भी अपनी तरफ से भी नाका लगाया है और उनका हमें पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। तो हमें पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कल जो मतदान है वो एक बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। तो सर आप जानकारी दे रहे कल खास दिन भी है, दिवस भी है, अगर पुलिस की बात करें सर क्या कुछ खास इवेंट होगा कल? जी हाँ, कल जो है 21 अक्टूबर का दिन पुलिस विभाग के लिए एक अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कल हम पुलिस शहीद स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। सन 21 अक्टूबर सन 1959 को लद्दाख में CRPF की एक टुकड़ी के 10 लोगों को चीनी फौज ने घात लगाकर हमला किया था और उनके ऊपर हमले में उनसे मुकाबला करते हुए ये सभी लोग वीरगति को 10 कर्मचारी CRPF के वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी याद में तब से इस दिन को पुलिस कमेमोरेशन डे या पुलिस शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा पुलिस में जो राज्य स्तर की इस पे एक शोक परेड का आयोजन, पुलिस कमेमोरेशन डे परेड का आयोजन पुलिस लाइन पंचकुला में कल सुबह 8 बजे किया जाएगा। हम लोग चुनावी व्यवस्था में अत्यंत व्यस्त हैं और एक एक पुलिस कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी पर है, फिर भी हमने इस पावन दिवस को कमेमोरेशन डे परेड को आयोजित करने के लिए सभी जिला पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं। हर जिले में हमारा एक पुलिस शहीदी स्मारक है जहां पे ये एक आधे घंटे की परेड संपन्न होगी। पिछले 12 महीने में हरियाणा पुलिस के 3 कर्मचारी आपराधिक तत्वों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ना सिर्फ हम उनको याद करेंगे बल्कि बाकी पूरे भारत में 289 पुलिसकर्मी जो असामाजिक तत्वों से
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए और नक्सल क्षेत्रों में नक्सली तत्वों से लड़ते हुए, नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी हैं उनसे लड़ते हुए और अपराधियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम उनके भी नाम पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे और जो पुलिस के शहीद हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे देश की ओर से हम देंगे। तो ये दिन, ये एक इत्तेफाक की बात है कि दोनों चीजें कल एक साथ हो रही हैं और हम दोनों को बखूबी होगा निभाएंगे और इसके लिए किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है अप्रोच करेगा जब वहाँ से अगर किसी भी इलाके में, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक सी विजिल करके वोटर ऐप दिया हुआ है, इसमें कोई भी नागरिक यदि कहीं भी कोई गड़बड़ है किसी पोलिंग बूथ पे या हिंसा हो रही है तो उसकी सूचना दे सकता है। इसके अतिरिक्त अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, कंट्रोल रूम जो हमारे हैं और हमारे सीनियर अधिकारियों के फ़ोन नंबर हर जगह उपलब्ध हैं, तो जैसे ही सूचना आएगी वो सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी वहाँ नज़दीकतम हमारी गाड़ियाँ होंगी उनको दी जाएगी, क्योंकि हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी गाड़ियाँ जो है पुलिस की पेट्रोलिंग व्हीकल्स लगाई हैं, जो SHO की पेट्रोलिंग व्हीकल है, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज एक DSP रैंक का अधिकारी है उसकी पेट्रोलिंग व्हीकल है, इसके अलावा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ भी पुलिस बल दिया गया है। तो हर क्षेत्र में, एक असेंबली क्षेत्र में अगर हम लगाएं मोटे तौर पे कि 30-35 गांव होते हैं तो कम से कम 10 गाड़ियां हैं, यानी आप ये समझिए कि हर पोलिंग बूथ पे हर 10-15 मिनट में एक गाड़ी का चक्कर लगेगा। इस प्रकार की व्यूहरचना हमने की है, तो हमें बिल्कुल, हम निश्चिंत हैं कि कहीं भी सूचना आती है तो हम 10 मिनट मैक्सिमम के अंदर वहाँ पे पुलिस की टुकड़ी होगी। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया कि वल्नरेबल पोलिंग बूथ पे हमने अर्धसैनिक बलों को लगाया है और इसके अलावा हमने SP की एक रिजर्व है हर जिला मुख्यालय पे और उसके अतिरिक्त एक DGP रिजर्व भी स्थापित की गई है। यदि कोई ऐसा होगा नहीं लेकिन अगर बड़े स्तर पर कोई हिंसा करने का प्रयास करता है तो उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराएगा।